फुल ऑरेंज की वर्किंग का ये होता है मेल, कह लें कि ये मेल जो है ना ब्लैक फेस ब्लैक प्रस प्रिटोबी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रीडिंग वर्ल्ड फॉर्म। चले दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है आज है फ्राइडे और हमने ऊपर वाले शेड से माशाल्लाह 3+4 हमने 7 बेबीज़ उठा के लाने हैं और उनको हमने लेके आना है नीचे फ्लाइंग केज में इंशाल्लाह। तो चलें जी हम उनको पकड़ेंगे। पकड़ने से पहले मैं बता दूं कि ये माशाल्लाह कल मैंने इनको रिंग डाले हैं इनके बेबीज़ को, हाफ ऑरेंज और इजाबेल फुल ऑरेंज की फ़ीमेल है और 3-5 बेबीज़ हैं माशाल्लाह इनके, तो वो अंदर हैं, जब बाहर निकलेंगे तो फिर आप लोगों को दीदार होगा। और मज़ीद इनको भी आज हम चेक कर लेंगे दोनों को कि यहाँ पे इंकोबेशन हैचिंग हो चुकी है कि नहीं। अगर हैचिंग होगी हुई तो हम इंशाल्लाह फिर इनको भी सॉफ्ट फूड देना रेगुलर शुरू कर देंगे। तो चलें जी हम लोग उठाते हैं अपना, अल्लाह भला करे इंशाल्लाह, ये वाला कैचर जो हमारा कैरियर है इसको लेके चलते हैं ऊपर वाले शेड में और वहाँ पे हम पकड़ते हैं। माशाल्लाह हमें ये कैचर की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम कॉलोनी से पकड़ेंगे बच्चे 3 और उसके बाद फिर हम जो केज से वहाँ से पकड़ेंगे और फिर लेके आएंगे ऊपर नीचे। तो चलें जी चलते हैं हम लोग ऊपर शेड में, मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, ये कैरियर ले जाने आने के लिए अच्छा है। ये 250-300 का मुझे मिला था, बहुत अच्छा कैरियर है। तो आप देखें जी धूप है, आवाज़ें आ रही हैं शेड की। माशाल्लाह जी इसमें भी 3B के बेबीज़ बाहर आ चुके हैं, ये देखें ये बेबी बाहर आए हुए हैं, ये आते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। ये 3B का बेबी है माशाल्लाह, देखें जी आप। तो इंशाल्लाह इसको हम, ये 2 बेबी हैं इधर 3B के, मैंने शायद आप लोगों को दिखाए थे कि नहीं, वो देखें उड़ता है डरता है थोड़ा सा, ठीक है। ये 3B का बेबी है, एक एनजी में है और एक माशाल्लाह लाइट बैग में है, क्योंकि इनकी माँ जो है 3B की लाइट बैग है और बाप एनजी का BCB भी है। तो 2 3B निकले हैं और 2 एक BCB भी लाइट बैग में निकला है और एक फीमेल है एनजी की। चलें जी माशाल्लाह ये 4 हैं, ये हमारे हो चुके हैं सेल्फ पे, ये 4 बेबी हमने पकड़ने हैं, 2 BFBB के स्प्लिट OB के बेबी हैं और 2 जो हैं वो फॉन में हैं, पता नहीं मोल्ड करेंगे, अगर तो ये मेल हुए तो फुल ऑरेंज पे चले जाएंगे और अगर फीमेल हुई तो OBBB पे चली जाएंगी। तो चलें हम देखते हैं, पहले तो अंदर से हमने 3 पकड़ने हैं, वो 3 पकड़ लेंगे हमारे, कह लें कि उसमें 3 को पकड़ना है। ये 2 बैठे हुए हैं सामने, ये वाले जो 2 हैं ये वाले, ठीक है। चले जी मैं कैमरा फ़िलहाल नहीं पकड़ सकता और मैं कि आप लोगों को दिखा सकूं पकड़ते हुए, तो मैं क्या करता हूं कि कैरियर अंदर रखता हूं और अपना जो मोबाइल है उसको मैं थोड़ा सा करता हूं ऑफ ताकि मैं पकड़ लूं वो 3 बच्चे तसल्ली से और फिर हम उसके साथ आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जो मैंने पकड़े हैं। चलें जी चलें जी ये वाले बेबी हमने पकड़ लिए और माशाल्लाह देखें क्या बनते हैं, लेकिन इनकी 1-2 की टेल जो है ना, जैसे वो है या ये वाला है, इसकी टेल इस तरह लग रही है जैसे ना ये OBBB के हैं, लेकिन शक्लें अजीब है। अब ये वाला जो है, ये वाला मेल जो है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ना ये ब्लैक फेस भी करेगा अपने अंदर, देखें। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं यौमों की तरफ चला जाए, लेकिन चलें देखते हैं इंशाल्लाह आगे जाके ये क्या रूप बनाते हैं अपना और किस किस्म के ये बेबीज़ बनते हैं। तो
इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि ये अच्छे बनेंगे और पकड़ते हैं जी बाकी दो जो चार हैं। ठीक है जी, वो आ गए यहाँ पे माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैंने पहना हुआ है सूट, तो उसमें ये है कि बीवी है और देखे ना इस बेबी का पूरा जो है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जरा सीधे हाथ से पकड़ना चाहिए था। ठीक है, अब इसकी देखे ना बेबी की, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि फुल ऑरेंज बन जाएगा, इसकी आप वो देखें चीक और फेस दोनों ऑरेंज है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है ये। इसको भी इंशाल्लाह मैं छोड़ता हूँ इधर। ठीक है, एक आ गया, अब दूसरा पकड़ते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह बड़े आराम से आ गया ये ब्लैक फेस वाला, देखें जी। चलो ये ब्लैक फेस वाला भी अंदर चला गया, ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट, एक और ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट का है हमारे पास। ये बड़ी फुर्तीली है या फुर्तीला है, जो भी आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। ये भी ब्लैक फेस आ गया, देखें ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट। देखें ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट, माशाल्लाह एक रह गई इधर। ये थोड़ा साइज में भी बड़ा है और लग भी फीमेल ही है, पकड़ लिया है हमने। ये देखें, ये भी देखें, ये भी इसी तरह ऑरेंज लग रहा है, ठीक ठाक ऑरेंज है फेस के साथ। चलें निकलेगा क्या ये देखेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये देखें हमने सात के सात बेबी पकड़ लिए हैं, दो ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट स्प्लिट ओबी और दो उनके भाई ओबी भी बनेंगे या फीमेल ओबी भी बनेंगे या फुल ऑरेंज। ये आगे थोड़ा सा मोल्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर इन्होंने फेस से ऑरेंज निकालना शुरू कर दिया तो ये फुल ऑरेंज की तरफ चले जाएंगे बनर। और तीन जो है ये देखो इसके काम देखो, इनमें एक ब्लैक फेस का कन्फर्म लग रहा है और दो जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। तो ये वाला जो है ना ये ब्लैक फेस अब फीमेल बनती है, मेल बनता है ये वाला, तो पता चल रहा है। चलें जी, माशाल्लाह हेल्दी हैं, फिट हैं, ज़बरदस्त हैं सारे के सारे। हम लेके चलते हैं नीचे और इनको छोड़ते हैं फ्लाइंग केज में। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे म्यूटेशन के बेबीज़ हैं। चलें जी, चलते हैं नीचे और फिर इनको छोड़ते हैं नीचे फ्लाइंग केज में। जी हम नीचे आ चुके हैं माशाल्लाह, आप देखें वैरायटी और माशाल्लाह साइज़ देखें ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये देखें ये शिकरा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी जो फेस और चीक्स है ना वो सेम है, मे भी ये उधर से भी ऑरेंज कर जाए ये वाले जो दो है फोन में। ठीक है, और एक तो शहज़ादा बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, अब देखते हैं ये आगे जाके क्या बनते हैं। चलें जी लेके चलते हैं इनको फ्लाइंग केज में और फिर फ्लाइंग केज में हम इनको छोड़ते हैं नए होम में। ये इनका नया होम, देखें जी माशाल्लाह ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट को देखें। मैं आप लोगों को छोड़ने से पहले थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि आप क्वालिटी देख लें। ये देखें ये शिकरा ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट, वो एक पीछे ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट, स्प्लिट टोबी भी हैं, आपको इनके परों से सब अंदाज़ा हो रहा होगा। ठीक है, चार ही हैं और वो देखें पांच दूसरे हैं। चलें जी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते इनको छोटे केज में, बेतावले हो रहे हैं बाहर उनके साथ, दूसरे जो हमारे जितने भी हैं उसमें कह लें कि केज में उनके साथ ये लोग जाने में। तो देखें जी माशाल्लाह इसको देखें, ये प्यारे को मेरा फेवरेट है ये बर्ड,
ब्लैक फेस, ब्लैक ब्रश स्प्लिट होगी, फुल ऑरेंज की वर्किंग का ये होता है मेल, कह लें कि ये मेल जो है ना ब्लैक फेस ब्लैक ब्रश स्प्लिट ओबी का ये वाला मेल मिलना मुश्किल है, ना तो कोई देता है, और अगर मिल जाए तो फिर आपकी लक है, और अगर आपके पास निकल आए तो और भी गुड लक है, क्योंकि ये ऐसा बर्ड है इसको आप फुल ऑरेंज की तरफ भी ले जा सकते हैं और फुल ब्लैक थ्री बी की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ये बर्ड जितने इकट्ठे हो सकते हैं आपके पास आपने रोकने हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह दो निकले हैं ये वाले, ज़बरदस्त। चलें जी छोड़ते हैं इनको फ्लाइंग केज में। ओह हो, ऊपर वाले जो है ना सारे हो गए हैं कि भाई ये क्या चीज़ें आ गई हैं, पिंजरा लेके आ गए हैं, लगता हमें पकड़ने लगे हैं। पकड़ने नहीं लगे भाई, तुम लोगों को नए साथी देने लगे हम। माशाल्लाह ग्रेट, ऐसे चलो भाई, चलो भाई वन, चल भाई टू, चल भाई थ्री, चलो चल फोर फाइव सिक्स सेवन गॉन। ये है तुम लोगों का नया घर। चलें जी माशाल्लाह, सब खुश हो जाएंगे इधर। इसको हम कैरियर को रखते हैं वापस ऊपर। ले जी माशाल्लाह, किधर गए? चलें जी देखते हैं, आई डोंट नो, मिक्स हो गए सारे। माशाल्लाह प्रोडक्शन इतनी है इस दफ़ा इसकी ब्रीडिंग वर्ल्ड फार्म्स की, कि अंदर ही गोल्डियन है, अंदर ही हमारे इसके वो हैं बंगलाइज, और साथ ही हमारी म्यूटेशंस के ऑरेंज के ब्लैक फेसेस के थ्री बी के, वो बैठा हुआ है एक थ्री बी के साथ उस तरफ मुंह करके, एक बेबी ये वाला, ये थ्री बी वाले के साथ आके बैठ गया ये वाला, देखे ना कैसा, ये थ्री बी वाला छोटा सा एक सेंटर में बैठा हुआ है ना, ये इसने मुंह सीधा किया, आप नज़र आया आपको, ये आके बैठ गया एक, और दूसरा किधर गया, दूसरे बाहर आ, लेकिन वो जो दूसरे तीन छोड़े हैं उसमें से एक ये नीचे बैठा हुआ, ये ठीक है जी, और एक वो बैठा हुआ है ब्लैक फेस का, ये वाली बड़ी फीमेल के साथ, ये वाइट वाली फीमेल जो लाइट बैक की फीमेल है इसके साथ उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और अच्छा चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जब सब मोल्ड कर जाएंगे तो और अच्छे हमें कलर निकालेंगे। ये हमारा फुल ऑरेंज बैठा हुआ है, ये माशाल्लाह सेल आउट हो गया हुआ है, एक दोस्त ने 7 महीने पहले का बुक किया हुआ था। फुल ऑरेंज है, इंग्लिश ब्लड लाइन है, इसने पूरा मोल्ड करना है अपना, और इंशाल्लाह इसकी मैं आपको तस्वीर साइड पे लगा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ये इस तरह का बनेगा, यही ब्लड लाइन है, ठीक है जी। और इसके साथ हमने ओबीबीबी की फ़ीमेल, हाफ ऑरेंज की फ़ीमेल उनको दी है, तो अल्लाह करे उनके साथ, ये साथ ही बैठी है ये वाली जो अभी मोल्ड पे जा रही है, दोनों पेयर साथ ही बैठे, उड़ गई फीमेल, ठीक है जी। और फिर हमने उनको जो है ना दो गोल्डियन के बच्चे भी उन्होंने किए थे, एक बच्चे ने तो यारी इस फुल ऑरेंज के साथ लगाई हुई है गोल्डियन वाले ने। तो माशाल्लाह उनको मैंने ना दो उन्होंने गोल्डियन के पट्टे लिए और ये फुल ऑरेंज का पेयर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे उनके पास अच्छी से अच्छी ब्रीड करे और इससे भी अच्छे प्यारे और फुल ऑरेंज के बच्चे निकाले। तो चलें दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को पसंद आई है तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके, और मुझे दुआओं में याद रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।